विक्रम घर की नौकरानी के साथ रंगरलियां मना रहा होता है। अरे बाबू मुझे छोड़ दो, तुम्हारी नई नई दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही है। करने दो इंतजार, पिताजी ने मेरी शादी जबरदस्ती कराई है, मुझे तो तू चाहिए कोई अंधी नहीं। कौन बोल रहा है, क्या कोई कमरे में है? अब मुझे जवाब दो, क्या कोई है? कौन है लड़की, भगवान ने आंखें तो दी नहीं है लेकिन खूबसूरती देने में कमी नहीं की, आज यही बनेगी मेरी दुल्हन। हाँ, दुल्हन एक रात की दुल्हन ना। साहू पहलवान आज यही है तुम्हारा शिकार। अरे सरकार ये तो अपने काम वाली रज्जो की बेटी कजरी है, इसे छोड़ दीजिए, मैं आपके लिए इससे बढ़िया इंतजाम करूंगा। चल तू भी क्या याद रखेगा, छोड़ दिया पर एक न एक दिन उसको बनना तो मेरी ही है। कुछ दिनों बाद साहू रज्जो के घर जाता है और कहता है, अरे रज्जो तेरे पति का दोस्त था इसलिए समझा रहा हूँ, कजरी मेरी बेटी जैसी है, विक्रम की नजर कजरी पर पड़ गई है, आज तो मैंने बचा लिया पर अब सावधान रहना। हे भगवान कौन से दिन दिखा रहा है, मैं ठहरी काम वाली घर बैठकर बेटी कैसे रखाऊं। साहू के जाने के बाद रज्जो कजरी को गले लगाकर रोने लगती है और कहती है, हे भगवान एक तो गरीबी दूसरी अंधी तीसरे दे दिया मेरी बेटी को, डूब कर अब ये जवान भी हो गई है, कैसे बचाऊं दुनिया से इसे। अम्मा मैं 15 साल की हो गई हूँ लेकिन मुझे कोई काम नहीं आता, मेरी सब सहेलियाँ राधा दीदी से गाना सीख रही हैं, मुझे भी गाना सिखा दो ना माँ। हाँ ये ठीक रहेगा, मैं भी घर में नहीं रहती, तू राधा जी के घर गाना सीख लिया करना, चल तुझे राधा जी के पास ले चलती हूँ। रज्जो कजरी का हाथ पकड़ कर राधा के स्कूल में ले जाती है। आवा रज्जो, अरे वाह कजरी भी आई है, और बताओ कैसे आना हुआ। विधवा रज्जो कामवाली की बेटी कजरी जन्म से ही अंधी थी, रज्जो को कजरी के भविष्य की चिंता हमेशा सताती रहती थी, भगवान ने कजरी को रूप देने में कंजूसी नहीं की थी। दीदी आप तो जानती हैं ये जन्म से अंधी है, भगवान ने आंखें तो छीन ली पर इसको अच्छी आवाज दी है, अब अगर आप इसे गाना सिखा दे तो उसके अंदर भी कुछ गुण आ जाएगा। देखो रज्जो गाना सिखाने की फीस तो तुम दे नहीं पाओगे, इसके बदले मैं कजरी को अपने पास रोक कर कुछ काम करा लिया करूंगी, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? अरे नहीं नहीं दीदी मेरे लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। राधा कजरी को गाना सिखाने लगी, कजरी शाम को उसके घर काम करती और सुबह गाना सीखने लगी। गांव में गाने की प्रतियोगिता हुई, राधा कजरी को भी प्रतियोगिता मिली गई। चौधरी साहब ये देखिए ये कजरी है, हमारे गाँव नगुनवा की है, देखिएगा इस प्रतियोगिता में यही जीतेगी। देखने में तो बड़ी खूबसूरत लग रही है, चलो देखते हैं कैसा गाती है। प्रतियोगिता में सभी लड़कियां अपना अपना गाना सुनाती हैं, पर कजरी की आवाज तो जैसे उसके दिल से निकल रही थी, सभी उसकी आवाज पर वाह वाह करने लगते हैं। रे राधा तू तो सब जानती है, इस लड़की ने तो मेरा दिल जीत लिया, शाम सवेरे इसके गाए भजन सुन लूंगा तो जिंदगी स्वर्ग हो जाएगी। मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाहते हैं, कजरी कामवाली बाई रज्जो की बेटी है, वो भला रोज आपको भजन कैसे सुनाएगी? अरे राधा तू तो मेरे बेटे विक्रम के बारे में जानती ही है, रज्जो गरीब है और फिर कजरी अंधी भी है, तू कजरी की शादी विक्रम से करवा दे। ये आप क्या कह रहे हैं चौधरी जी, इस बेचारी गरीब के साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हो, विक्रम बाबू के साथ शादी करने से अच्छा है इस लड़की का कत्ल कर दिया जाए। राधा अगर इस गाँव में रहना है तो मुझसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी, तेरे लिए यही अच्छा है कि जो मैंने कहा वही कर। चौधरी साहब उसके हाथ में 1,00,000 रुपए रख देते हैं। अपनी जान के डर से राधा रज्जो के पास जाती है और कहती है, अरे ओ राधा मुंह मीठा करा, तेरी कजरी के लिए चौधरी साहब के यहाँ से रिश्ता आया है, वो तेरी कजरी को बहू बनाना चाहते हैं, तेरे तो भाग्य खुल गए। हे राम राधा जी ये क्या बोल रही हो, क्या उनकी बहू बनाने से बेहतर तो है कि अपनी बेटी का गला घोट दो। अरे पागलपन की बात मत कर, अगर कजरी की शादी त्यागी साहब के घर हो गई तो तेरा बुढ़ापा भी सवर जाएगा, आखिर तो तू उनकी समधिन बन जाएगी तो तुझे ऐसे थोड़ी रहने देंगे। हाँ दीदी बात तो सही है, एक बार कजरी से पूछ लेती हूँ। अरे ये ले 1,00,000 रुपए हैं चौधरी साहब ने रिश्ता पक्का करने के लिए दिए हैं, अब तू घर में घी के दिए जला, तेरे घर तो साक्षात लक्ष्मी आने वाली है। राधा जी के दबाव में आकर रज्जो कजरी की शादी चौधरी के बेटे विक्रम से कर देती है, बारात आती है खूब नाच गाना होता है और कजरी अपने ससुराल चली जाती है। सुहाग रात के दिन कजरी अपने पति का इंतजार कर रही होती है कि उसे अचानक कोई आवाज सुनाई देती है।
ये कैसी आवाज आ रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। या कमरे में कोई और भी है? अब मुझे बिस्तर पर नींद नहीं आ रही है, मैं जमीन पर सो जाती हूँ। कंजरी जमीन पर लेट जाती है और उसके बिस्तर पर विक्रम घर की नौकरानी के साथ रंगरलियां मना रहा होता है। अरे बाबू, मुझे छोड़ दो, तुम्हारी नई नई दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही है। करने दो इंतजार, पिताजी ने मेरी शादी जबरदस्ती कराई है, मुझे तो तू चाहिए कोई अंधी नहीं। कौन बोल रहा है? क्या कोई कमरे में है? अब मुझे जवाब दो, क्या कोई है? विक्रम नौकरानी को चुप रहने का इशारा करके कहता है। चुपचाप सो जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कमरे में ही हूँ। मैं आपका सर दबा दूं? कहा ना चुपचाप सो जाओ, अभी मैं कोई आवाज नहीं सुनना चाहता। मुंह पर घूंघट डाले कजरी चुपचाप जमीन पर सोने की कोशिश करती है। पूरी रात उसे अजीब अजीब सी आवाज आती रहती है। सुबह होते ही उसकी सास दरवाजा खटखटाती है। क्यों महारानी, बेटी तो तू काम वाले की है, पर तेरी नखरे तो राजकुमारियों के हैं। अरे नीचे आकर काम देख, अंधी कहीं की, और कुछ नहीं तो आकर मेरे पैर दबा। माँ जी वो कहाँ है? वो पूरी रात घर नहीं आए, वो ठीक तो है ना? करम चली, तुझे लगता है मेरा बेटा तुझे छुएगा? अरे हम चौधरी हैं चौधरी, ये तो इनकी मति मारी गई थी कि मेरे इकलौते बेटे की शादी तुझसे कर दी। माँ जी क्या वो मुझे पसंद नहीं करते? राधा जी तो कह रही थी कि उन्हें मेरा गाना बहुत पसंद है। अरे बातें बनाना बंद कर, मेरे बेटे ने तो तेरी शक्ल भी नहीं देखी होगी, गाने की तो बात ही दूर है। कुछ देर बाद जब विक्रम का नशा टूटता है तो उसकी नजर कजरी पर पड़ती है। विक्रम सोचता है, अबे ये तो वही अंधी लड़की है जिसे मैं पाना चाहता था। पहले तो घूंघट के कारण इसका चेहरा ही नहीं देखा, अब ये मुझसे बच नहीं पाएगी। सुनो माफ कर देना, कल मेरी तबीयत सही नहीं थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कमरे में चलो, तुम मेरी पत्नी हो, इस घर की बहू। विक्रम कजरी का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ। देखो बहुत हो गया ड्रामा, अगर मेरी बात नहीं मानी तो आज के बाद तेरी शक्ल भी नहीं देखूंगा। अंधी कहेगी पिताजी ने शादी कराई है ना, जिंदगी भर उनको गाना सुनाना। कजरी आंसू पोंछने लगती है और विक्रम कमरे से चला जाता है। वो बिस्तर ठीक करने की कोशिश करती है तो कजरी के हाथ में नौकरानी की पायल आ जाती है। वो नौकरानी से पूछती है, मेरे बिस्तर पर ये किसकी पायल है? अरे बीबी जी, इस तरह की चीजें मिलने की तो आदत डाल लीजिए, ये विक्रम भैया का कमरा है, यहाँ तो बिस्तर पर ये सब हर दिन मिलता है। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे कजरी, विक्रम एक बहुत बड़ा शराबी और अय्याश आदमी है, 17 साल की उम्र से इसे देख रही हूँ, लगातार शराब पी रहा है। कजरी बिना कुछ बोले चुपचाप चली जाती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और विक्रम उसके पास नहीं आता। उसकी सास कहती है, ना जाने कौन से बुरे कर्म किए थे कि ये अंधी आ गई, उस पर बांझ भी है। मैं तो अपने विक्रम की दूसरी शादी करूँगी। क्या बकवास कर रही हो अपने बेटे के बारे में? तुम्हें पता नहीं है वो कैसा है? एक दिन भी इस लड़की के पास नहीं रहा वो। क्या मैं अंधा हूँ? नहीं नहीं बाबूजी, वो बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। बेटी मैंने अपने नालायक बेटे की शादी तुमसे कर दी, मैंने सोचा उसकी गंदी आदत है तुम देख नहीं पाओगी और शांति से अपना जीवन बिता लोगी। अरे चुप रहो, ऐसी भी क्या बुरी आदत है मेरे बेटे में? सभी राजा ऐसे ही होते थे, राजाओं के तो पहले बड़े बड़े हरम हुआ करते थे, हमारा बेटा क्या राजा से कम है? चुप रहो, तुम्हारे कारण आज हमारे बेटे का ये हाल है। अब ये फोन किसका आ गया? चौधरी साहब बड़े दुख की खबर है, आपके बेटे विक्रम के आधे शरीर को लकवा मार गया है, बहुत ज्यादा शराब पीने के कारण ये हुआ है। हे भगवान, ये सब मेरे अन्याय का ही फल है, मैंने ही कजरी के साथ अन्याय किया है, मैं ही इसे ठीक करूंगा। पिताजी आप चिंता मत करिए, मैं विक्रम बाबू का पूरा ध्यान रखूंगी, मेरे होते हुए आपको उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कजरी बेटी मैं इतना बुरा नहीं हूँ, मैंने अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है और उसे उस जायदाद से बेदखल कर दिया है। विक्रम को जब इस बात का पता चलता है तो वो घबरा जाता है और तुरंत लौटकर कजरी के पास आता है। कजरी मुझे माफ कर दो, मुझे अपना लो, मुझे तो कोई काम करना भी नहीं आता, अगर पिताजी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? आप मेरे पति हैं, मैं आपकी हूँ, मेरा सब कुछ आपका है। विक्रम कजरी की बात सुनकर हैरान हो जाता है और उसे अपने किए पर पश्चाताप होने लगता है। वो धीरे धीरे अपनी बुरी आदतों को छोड़ देता है
और कजरी को पूरी तरह से अपना लेता है। एक दिन सुबह, तो बस यही उल्टियां कर रही है, ये करमचली ना जाने क्या खा लिया है। अरे माँ, तुम दादी बनने वाली हो? दादी, कल ही इसे डॉक्टर को दिखा कर लाया हूँ, इस घर का वारिस आने वाला है। अरे तू क्या कह रहा है, क्या ये सच है? अजी सुनते हो, हम लोग दादा दादी बनने वाले हैं। कजरी बहू ने तो हमें जीवन की सारी खुशियाँ दे दी। ये सब आपके आशीर्वाद का फल है माता जी, वरना मैं अंधी, मुझे दुनियादारी का क्या पता। चल बेटी, अपनी आवाज में एक मीठा सा गीत सुना। कजरी गाना गाने लगती है। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तभी कजरी को अपना लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। उमा के दो बेटे थे, रोहन और मोहन। उसके बड़े बेटे रोहन की शादी हो चुकी थी और उमा गोरी चमड़ी वाली अपनी बहू श्रद्धा को देखकर फूली नहीं समाती थी। श्रद्धा बेटी, जैसी गोरी अंग्रेजी मैम जैसी सुंदर तू है ना, बस ऐसी ही तेरी देवरानी भी घर में आ जाए तो देसी घी के पूरे 125 लड्डू बटवा दूं। उमा की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी डोर बेल बज उठती है। श्रद्धा, जरा देख तो बेटी दरवाजे पर कौन है। श्रद्धा ने जैसे ही दरवाजा खोला तो मोहन एक साउथ इंडियन लड़की को दुल्हन के जोड़े में लिए खड़ा था। उसे देखते ही श्रद्धा ने अपनी सास पर ताना कसा। ओ माँ जी, लो आ गई गोरी अंग्रेजी जैसी सुंदर बहू, अब बटवा लो देसी घी के 125 लड्डू। ये सुनते ही उमा दौड़ कर दरवाजे पर आई और काली बहू को देख कर हैरान रह गई। आयो अम्मा, पाए लागू जी। बेटा, ओ बेटा मोहन, ये क्या किया तूने? सचमुच शादी कर ली है? हाँ माँ, मुझे लक्ष्मी बहुत पसंद है, क्या तुम्हें अपनी बहू पसंद आई? ये सुनकर उमा की जीभ अचानक तुतला गई। बहू, बहू तो तू लाखों में ढूंढ कर लाया है बेटा, चल बहू को अंदर ले आओ। उमा बहू का अपमान करके बेटे को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसीलिए चुपचाप ही रहती है। मगर काली और साउथ इंडियन बहू को घर में देखकर वो मन ही मन कुड़ती रहती थी। बहू, ए श्रद्धा बहू, बहुत भूख लगी है, जरा खाना तो ले आओ बेटा। तभी लक्ष्मी ने सांभर डोसा लाकर उसके सामने रख दिया। ये क्या है बहू? आयो अम्मा, ए सांभर डोसा, नारियल का चटनी जी, ऐसा खाना तो मेरे बाप दादा ने भी नहीं खाया, फिर मैं कैसे खाऊं? उठा अपने इस सांभर ठूसा को और मुझे नहीं खाना ये सब। आप इसे रहने दीजिए, मैं आपके लिए मूली के पराठे बनाकर लाती हूँ माँ जी। हाँ हाँ, जल्दी ले आ बेटा। इस घर में आकर लक्ष्मी का काला रंग उसके लिए अभिशाप बन गया था, क्योंकि उमा की नजरों में उसकी कुत्ते जितनी कदर नहीं थी। वो उसे बात बात पर नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। लो कर लो बात, उल्टे तवे सी शक्ल है और उसे भी आईने में निहार रही है। बहू, क्यों आईने की बेइज्जती करने पर तुली हो? ये कहकर उमा हंसने लगती है और इस बात से लक्ष्मी के मन को गहरी ठेस लगती है, मगर उसने पलट कर कोई जवाब नहीं दिया। अयो परमात्मा, इस घर में तो संस्कार नाम की चीज ही नहीं है जी, हमारी सास को तो देखो बस रंग देखकर ही बात करती है, हमारे कोमल हृदय को देखने की तो कभी कोशिश ही नहीं करती जी। ये कहकर लक्ष्मी की आंखें भर आती हैं। फिर कुछ दिन बाद सबको लक्ष्मी की जेठानी के भाई की शादी में जाना था। अरे माँ जी, आप क्यों मुंह लटकाए बैठी हैं? अभी तक आप तैयार नहीं हुई। मैं शादी में क्या मुंह लेकर जाऊं बड़ी बहू, वहाँ इस काली कलूटी लक्ष्मी को देखकर सब ताने कसेंगे, मुझसे ये बेइज्जती सहन ना होगी। ये सुनकर श्रद्धा ने सास को समझाया। माँ जी, मैं यही तो चाहती हूँ कि शादी उत्सव में लोग इसकी बेइज्जती करें और ये हमारे मोहन को छोड़कर भाग जाए, फिर तो हम उसके लिए अंग्रेजी मेम सी गोरी बहू ला ही सकते हैं ना। अरे हाँ हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं बहू। शादी के उत्सव में और लोग तो लक्ष्मी के काले रंग को लेकर कोई खास बात नहीं कर रहे थे, मगर उसकी सास और जेठानी उसे बार बार बेइज्जत करने में लगी थी। भाभी, मेरी जान सी देवरानी से मिलो,
इसे लाखों में से ढूंढ कर लाए हैं हमारे देवर जी। मुझे तो पागल ही लगता है तेरा देवर, इस काली कलूटी में ऐसा क्या देखा उसने? इससे काली तो भैंस भी ना होगी, बहू कहते हुए शर्म नहीं आती। जहाँ ले जाओ वहीं ऐसे ही बेइज्जती होती है, इसने तो नसीब ही फोड़ दिए हैं हमारे। इस तरह के ताने सुनकर लक्ष्मी को रोना आ जाता है और वो चुपचाप वहाँ से घर के लिए निकल जाती है। अयो, इस रोज रोज की बेइज्जती से तो अच्छा है कि अपना जान ही खो दूं। परमात्मा ने हमको काली कलूटी बनाकर हम पर बड़ा जुल्म ढाया है जी। तभी लक्ष्मी को किसी औरत की आवाज सुनाई देती है। आईना खरीद लो बेटी, ऐसे आईने पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे, आईना ले लो। ये सुनकर लक्ष्मी गुस्से में बोली, आयो अम्मा, हमारा सूरत तो देखो जी, ऐसा काला कलूटा सूरत को आईने में क्या देखो जी। मायूस ना हो बेटी, बस एक बार मेरे आईने को उठाकर उसमें झांक कर तो देख, हो सकता है तेरे मन की मायूस कली खिल उठे। उसके इस आग्रह को लक्ष्मी ठुकरा ना सकी, उसने आईने में खुद को देखा तो मारे खुशी के उछल पड़ी। आयो अम्मा, ये कैसा चमत्कार जी, हमारा काला रंग तो निखरा निखरा गोरा हो गया, हमें ये आईना चाहिए जी। चाहिए तो ले जाओ बेटी, पर ऐसी ही गोरी बनी रहने के लिए तुम्हें रोज एक बार इस आईने में अपना चेहरा जरूर देखना होगा। ये सुनकर लक्ष्मी बोली, और कुछ अम्मा? और ये बेटी कि तुम्हारे सिवा जो कोई भी इस आईने में देखेगा, तुम्हारा ये काला रंग उस पर चढ़ जाएगा। क्या उसका रंग फिर कभी वापस नहीं आएगा? उसके लिए तुम्हें इस आईने में देखना होगा, जैसे ही तुम इस आईने में देखोगी उसका रंग वापस आ जाएगा, पर तुम्हारा रंग हमेशा के लिए काला होकर रह जाएगा। लक्ष्मी का गोरा रंग देखकर उमा और श्रद्धा दोनों दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। अरे मद्रासन बहू तो अंग्रेजी मैम जैसी दिखने लगी है, ये चमत्कार कैसे हुआ? आयो अम्मा, सब परमात्मा की देन है जी। किसी क्रीम श्रीम का जादू होगा माँ जी, देखना दो रोज में चला जाएगा। लक्ष्मी में ये परिवर्तन होने के साथ ही उमा दिन रात उसी की बड़ाई करने लगी और इतनी खुश हुई कि मोहल्ले भर की औरतों को दावत पर अपने घर बुला लिया। गोरी तो मेरी बड़ी बहू भी है, पर छोटी के मुकाबले कम ही गोरी है। छोटी बहू को देखकर तो मेरी भूख ही गायब हो जाती है। हाँ उमा बहन, तेरी छोटी बहू के आगे तो चांद भी फीका लगता है, क्यों बड़ी बहू? श्रद्धा, क्या मैं गलत कह रही हूँ? श्रद्धा उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती, वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है और उस दिन के बाद लक्ष्मी से ईर्ष्या करने लगती है। जरूर लक्ष्मी के पास कोई जादुई चीज है, वरना कोयले जैसी इसकी चमड़ी मुझसे भी गोरी कभी नहीं हो पाती, इस राज से पर्दा उठाना ही होगा। यही सोचकर श्रद्धा उस पर नजर रखने लगती है और एक दिन उसने लक्ष्मी को जादुई आईने में निहारते हुए देख लिया। जरूर ये आईना ही इसके गोरे रंग रूप का राज है, इसमें तो मुझे भी एक बार खुद को देखना ही पड़ेगा। यही सोचकर उसने लक्ष्मी के कमरे में से वो आईना चुरा लिया और फिर उसमें जैसे ही अपना मुखड़ा देखा तो तुरंत जोर जोर से चीखने लगी, हाय राम, मैं तो एकदम काली कलूटी नजर आने लगी, अब क्या होगा? माँ जी, मुझे बचाओ, माँ जी, मुझे बचाओ। उसका रोना सुनकर उमा और लक्ष्मी दौड़ते हुए उसके पास आते हैं। अरे ये क्या, तू तो काली कलूटी हो गई बहू। ये सब इस आईने में देखने से हुआ है माँ जी। आयो अम्मा, तुमको इस आईने में नहीं देखना चाहिए था दीदी, ये तो गजब हो गया। ये कहकर लक्ष्मी उनको जादुई आईने की सारी सच्चाई बता देती है और उस सच्चाई को जानने के बाद श्रद्धा रोते हुए कहती है, तुमने अपने काले रंग के कारण बहुत अपमान सहे है देवरानी जी, इसीलिए वही अपमान अब मुझे सहने दो। शायद भगवान ने मुझे ये मेरे पापों का दंड दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें इस आईने में कभी नहीं देखने दूंगी। ये कहकर श्रद्धा आईने को तोड़ने की कोशिश करती है, मगर लक्ष्मी उससे आईना छीन कर उसमें खुद को देख लेती है।
उसके आईने में देखते ही वो पहले जैसी काली हो जाती है और फिर श्रद्धा फिर से गोरी हो जाती है। तुमने ये क्यों किया लक्ष्मी? आइयो, क्योंकि दीदी अब तो तुम समझ ही गया होगा ना कि आदमी की कदर रंग से नहीं बल्कि उसके गुणों और चरित्र से होती है जी। हाँ बहू, बिल्कुल समझ गए और अब तुम हमें इसी काले रंग में बहुत पसंद हो, क्यों बड़ी बहू? हाँ हाँ माँ जी। उस दिन के बाद उमा, श्रद्धा और लक्ष्मी तीनों मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगती हैं और गोरे व काले रंग के कारण उनके मन में कभी कोई भेद नहीं आता।